नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले हैं और वहां के बहुत ही फेमस टेंपल के दर्शन करने वाले हैं। मैंने अपनी यात्रा अंतु से शुरू करी है। अंतु से वह मंदिर जिसकी हम यात्रा करने वाले हैं लगभग 64 या 65 किलोमीटर दूरी पर है। सफर लंबा जरूर है पर सफर मजेदार है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ की हरियाली किस प्रकार से है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आज का मौसम भी बहुत शानदार है। दोस्तों, हम कुंडा पहुंच चुके हैं और यहां से मंदिर बहुत ही नज़दीक है। आप देख सकते हैं ये एक नहर का पुल है। कुंडा में बहुत सारी नहरें तथा काफ़ी तालाब हैं। आप लोग देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है बाबा झारखंड धाम। यह मंदिर ग्राम शेखपुर बहादुर का पुरवा कुंडा प्रतापगढ़ में स्थित है। हमें इस बोर्ड से राइट हैंड मुड़ना है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने मंदिर दिख रहा है। हम मंदिर के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपने पहले भी देखा कि चारों तरफ कितना ही लंबा मैदान है। देख सकते हैं मंदिर के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और प्रवेश द्वार पर लिखा है बाबा झारखंड धाम। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये देख सकते हैं आप, इसका प्रवेश द्वार है। धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं और इस मंदिर के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये श्री हनुमान मंदिर है। आइए हम सबसे पहले इसके दर्शन करते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद देख सकते हैं आप, बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। अक्सर जहां पर मंदिर होता है वहां एक पीपल का पेड़ जरूर रहता है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक पुराना कुआं भी है। आइए देखते हैं इसमें पानी है कि नहीं। पानी इसमें देख सकते हैं बहुत ही ऊपर है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों, अब गणेश जी के टेंपल में चलते हैं। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे। हमने गणेश जी के दर्शन किए। आप यहाँ देख सकते हैं एक पीपल का पेड़ और भी है। आइए हम उस जगह पर चलते हैं जिस जगह को देखने हम आए हैं। आइए दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, घंटियां लगी हुई हैं। आइए दोस्तों, देख सकते हैं हम उस प्राचीन शिवलिंग पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है ये। आइए यहाँ के जो महंत हैं उनसे हम इस शिवलिंग के बारे में पूछते हैं। बाबा जी, आप हमको ये बताइए, इसके इतिहास के बारे में बताइए हमें कुछ। ये शंकर जी का शिवलिंग है। अच्छा, हाँ, ढेर दिन से है, बहुत पुरानी है। मंदिर के बारे में और कुछ बताइए। ये मंदिर यार नया दूसरी बन रहे हैं। अच्छा, और वो शनि देव भगवान का है, गणेश भगवान का है, ये जानकी मंदिर, राम मंदिर है। अच्छा, ये सब बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। बहुत आते हैं। हम लोग भी काफी दूर से आए हैं यहाँ इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने। सब हो जाएगा, कृपा हुई भोलेनाथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आनंदमय लग रहा है ऐसी प्राचीन जगह पर आकर के। आप देख सकते हैं ये नंदी जी हैं और यहाँ पर हवन वगैरह होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितना सुंदर मंदिर है ये। एक प्रवेश द्वार इधर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक नया मंदिर यहाँ पर बन रहा है अभी इस समय। और एक बहुत ही सुंदर हनुमान टेंपल एक और दिख रहा है जिसके ऊपर ध्वज लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन टेंपल है, जिस तरह से महंत जी ने बताया। और आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह का, चारों तरफ खेत ही खेत हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कुंडा विधानसभा क्षेत्र में आता है।
दोस्तों आप देख सकते हैं एक प्रवेश द्वार इधर भी है। दोस्तों आज हमने दर्शन किए बाबा झारखंड धाम, जहां पर एक प्राचीन शिवलिंग है, हमने उसके भी दर्शन किए। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।